हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल इंटीरियर ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से ये जो हमारा यल इंजिस होता है, जिसको दोस्तों हम लोग कोई भी कैबिनेट के डोर में या फिर दोस्तों हम लोग वार्डरोब के डोर में ज़्यादातर लगाते हैं। तो आज दोस्तों इसी का प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से इसको लगाया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक डोर में लगा हुआ है। अभी दोस्तों इसके लगाने का प्रोसेस अभी चालू है। तो चलिए फिर दोस्तों आपको वहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से इसको लगाया जाता है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा डोर है, इसी में दोस्तों हम लोग इस एल इंजिस को लगाएंगे। दोस्तों ये जो हमारा इंजिस होता है, इसको लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग डोर के एक सिरे से लगभग 5 या फिर दोस्तों 6 इंच का स्पेस देके उसके बाद इस इंजिस के साइड से निशान लगा लेंगे। अगर आपका दोस्तों डोर छोटा है तो आप इसको 3 इंच तक रख सकते हैं। अगर आपका डोर काफ़ी बड़ा है, जैसा दोस्तों आपका वार्डरोब वगैरह का हो सकता है, तो उसमें दोस्तों आपको 5 से 6 इंच ऊपर जगह छोड़ देनी है। उसके बाद इस साइज से जो तुम्हारा 3 इंच का है ऐसे निशान लगा लेना है। दोस्तों देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये मिडल का है निशान दोस्तों, और ये हमारा साइड का है। इसके बाद दोस्तों हम लोग ये जो हमारा हिंज है, इसकी जितनी दोस्तों मोटाई होती है, दोस्तों देख पा रहे हैं उतना ही दोस्तों इसमें इस तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों देख पा रहे हैं, ताकि ये हमारा जो इंजिस हो प्रॉपर इसमें बैठ जाए। तो भी दोस्तों इसको बनाने के लिए तो आप चाहे आप फर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप अगर मशीन से करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप ये जो हमारा कटर मशीन होता है, दोस्तों देख पा रहे हैं आपको कटर मशीन के ब्लेड की दोस्तों जो धार होती है उतना ही बढ़ाना है जितना दोस्तों ये हमारा हिंज का थिकनेस होता है, इसकी मोटाई, इसको बढ़ा करके दोस्तों आप आसानी के साथ इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं अभी आपको कटिंग करके दिखाते हैं। आपको राइट एंगल लेना है और इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लेना। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा खांचा लगभग तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा आपको साफ कर लेना है आपको फर्सी की सहायता से। अभी दोस्तों इसमें हम लोग जो हमारा हिंज है उसको लगा कर देखते हैं प्रॉपर है कि नहीं है। अभी थोड़ा इसका दोस्तों अभी थोड़ा सा और कटिंग करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी दोस्तों देख सकते हैं हमारा इंजिस प्रॉपर हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों आपको इसका खांचा तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम इसके फिट करने का प्रोसेस देखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा कब्जे का खांचा था, इसको हम लोगों ने तैयार कर लिया हुआ है। अभी दोस्तों ये हमारा इंजिस है, जो कि दोस्तों ये 12 एमएम का ये कब्जा है हमारा। इसको दोस्तों हम लोग इस तरीके से ये हमारी जो प्लाईवुड की धार है उसमें इस तरीके से रखेंगे दोस्तों। और आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको, ये प्लाईवुड का जो हमारा सरफेस है इसके बराबर ही दोस्तों आपको कब्जे को लगाना है। आपको अंदर नहीं करना है, इस तरीके से आपको बराबर ही लगा देना है। तो चलिए फिर दोस्तों आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको लगाया जाता है। अभी आपको बराबर करके ड्रिल मशीन की सहायता से दोस्तों आपको होल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों ये हमारा स्क्रू है जो कि 6 नंबर का है दोस्तों, 19/6 का दोस्तों ये स्क्रू है। आप चाहें तो दोस्तों 25/6 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इसको दोस्तों इस तरीके से फिट कर देंगे।
दोस्तों देख पा रहे हैं, ये हमारा प्रदीप बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है अभी इस टाइम। दोस्तों देख पा रहे हैं ये एकदम बराबर ही है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फिट हो चुका है एक कब्जा। अभी दोस्तों ये दो और बाकी है। इसी तरीके से दोस्तों आपको सिंपली जितने भी कब्जे हैं डोर में सबको लगा देना है। उसके बाद आपको सिंपली लेके चलेंगे जो हमारा कैबिनेट है उसमें फिट करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो डोर था, अभी इसको फिट करेंगे इस तरीके से। आपको बॉक्स को इस तरीके से सटा लेना है डोर को, और इसके बाद दोस्तों हम लोग इसमें स्क्रू लगा देंगे। दोस्तों आपको इस तरीके से यहाँ पे होल कर देना है। इसमें दोस्तों हम लोग पहले एक एक स्क्रू लगा देते हैं मिडल में। अभी दोस्तों हम लोग नीचे की साइड में जो हमारा कब्जा है इसको भी उसी तरीके से दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा बीच वाला कब्जा है, इसमें भी दोस्तों हम लोग एक स्क्रू लगा देंगे। दोस्तों अभी ये हमारा डोर कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों इसको बंद करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है। आप भी इस तरीके से ये जो हमारा ये लिंजिस होता है इसको लगा सकते हैं किसी भी डोर में। अगर आपको दोस्तों ये हमारा लगाने का प्रोसेस अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।